वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हो, वीडियो बनाने के बाद उसकी एडिटिंग करते हो, और एडिटिंग करने के बाद जब आप अपलोड करते हो तो आप दो से तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिस कर देते हो। नंबर एक। नंबर दो, आप वीडियो की प्रॉपर अंदाज में की सेटिंग नहीं करते। ऑप्शंस कौन से मिस कर देते हो, मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे वीडियो अपलोड करें अपने पर्सनल कंप्यूटर का ब्राउज़र यूज़ करें, क्योंकि अगर आप मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हो तो आपको इंपॉर्टेंट फीचर जो हैं वो नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर आपको इन्फो कार्ड नहीं मिलता, आपको एंड स्क्रीन नहीं मिलती। एंड स्क्रीन यूट्यूब का वाहद फ्री टूल है, फ्री फीचर है, जिससे आप 15 से 20% ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सकते हो। ये फीचर आपको मोबाइल से अपलोड करते वक्त नहीं मिलता। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जैसे ही वीडियो अपलोड करो अपना ब्राउज़र यूज़ करो, अपना कंप्यूटर यूज़ करो, ताकि आप यूट्यूब के मुकम्मल फीचर इंजॉय कर सको। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो फीचर भी बताऊंगा और एक वीडियो को अपलोड करते वक्त उसकी जो की सेटिंग है मुकम्मल तौर पर मैं वो भी सिखाऊंगा कि आपने वीडियो को कैसे अपलोड करना है। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। ये हमारे चैनल का डैशबोर्ड है, इसके टॉप पे आप देख सकते हैं क्रिएट का बटन है, इस पर क्लिक करें। पहला ऑप्शन है वीडियो अपलोड वीडियो, इस पर हम क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फाइल पे हम क्लिक किया और ये सारे हमारे सामने आ गए वीडियोज़। यहाँ से हम अपना वीडियो पसंद करेंगे जो हमने अपलोड करना है, ये पड़ा है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आ गया टाइटल, इसको हम करेंगे रिमूव और लिखेंगे हम अपने वीडियो का टाइटल, हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब। इसके नीचे आ गया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी नोटपैड पे ये नोटपैड मैंने सेव किया, इसको हम सारे को करेंगे कॉपी और वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में हम कर देंगे पेस्ट। इसमें है क्या चीज़, ये वही है जो हर वीडियो में मैं ऐड करता हूँ। सबसे पहले डिटेल है, डिटेल में मैं एक दो लाइनें लिखूँगा इस वीडियो के बारे में। मिसाल के तौर पर हेयर आई विल टेल यू हाउ टू अपलोड अ वीडियो यूट्यूब स्टेप बाई स्टेप। इसके नीचे मैंने दो सोशल लिंक दिए हैं, उसके नीचे मैंने एक हैशटैग लगाया। आप मज़ीद एक हैशटैग और लगाना चाहें तो अपने वीडियो के मुताबिक लगा सकते हैं, अपलोड वीडियो, ठीक है। इसके नीचे चैप्टर्स हैं, चैप्टर या टाइम स्टाम्प्स आप लगाना चाहते तो 00 आप लगा सकते हैं कि 00 मिनट्स पे क्या है आपका, 1 मिनट पे क्या, कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है। अगर आपने नहीं ऐड करने तो इसको ना लगें, अगर आपको नहीं समझ तो इसकी ना इसको ऐड करें, ठीक है। उसके नीचे रिकमेंडेड वीडियोज़ हैं, मैंने दो वीडियोज़ रिकमेंड किए हैं, आप अपनी पसंद का टाइटल और उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। इसके नीचे आ जाएँ थंबनेल, थंबनेल अगर तो आपका वीडियो मुकम्मल हो चुका है अपलोड तो नीचे 3 थंबनेल्स आ जाएंगे आपके वीडियोज़ में से ही, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपना कस्टमाइज़ किया गया थंबनेल यहाँ अपलोड करें। ये देखें वीडियो अपलोड हो चुका है, 1 2 3, ये 3 थंबनेल आ चुके हैं, लेकिन ये कोई इतने ख़ास नहीं है, हम ऐसे इसको अपलोड नहीं कर सकते, हम अपना कस्टमाइज़ किया गया थंबनेल लगाते हैं। क्लिक और ये हमारा थंबनेल लग गया, हमने यहाँ से कस्टमाइज़ थंबनेल लगाया, ये इधर अपलोड हो चुका है। इसके नीचे आ गया प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये सारे हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, ठीक है। इस पे हम देखेंगे कि हमारा ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये यूट्यूब का है तो हम यूट्यूब पे क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे डन। तो ये हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में एक और वीडियो ऐड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए। अगर आप मज़ीद कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने YouTube पे क्लिक किया और इसको डन किया। इसके नीचे आ जाएं ऑडियंस है, ऑडियंस के नीचे है यस इट्स मेड फॉर किड्स, क्या आपका ये वीडियो बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए नहीं है। तो मैंने नो पे क्लिक किया। इसके नीचे आ जाएं एज रिस्ट्रिक्शन, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, इसको ऐसे मैं छोड़ दूँगा। इसके नीचे शो मोर, इस पर क्लिक किया। पेड प्रमोशन हमारा इससे फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है, ये स्पेशली बिजनेसमैन के लिए जिन्होंने अपनी प्रमोशन करनी होती है प्रोडक्ट के लिए, ये स्पेशली उन लोगों के लिए, आपने इसको नहीं छेड़ना, ना चेक इन करना, ना चेकआउट करना, कुछ नहीं। इसके नीचे आ जाएँ ऑटो चैप्टर, इसको हमेशा ओके करें। चैप्टर्स जी बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने यहाँ आपको बताई थी कि चैप्टर आपने 00 से क्या स्टार्ट करना है, ये वो चैप्टर्स हैं, आपको यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर एंड की मोमेंट्स, यहाँ पे आपने चेक किया अगर तो इसमें कुछ चैप्टर्स हुए हैं तो ऑटोमेटिकली इसने बना के आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देने हैं, ठीक है। फीचर प्लेसेस, इसको ऑटो पे रहने दिया, ऑलरेडी चेकड है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो कंसेप्ट ये भी रहने दें। टैग्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, यहाँ मिसाल के तौर पर हमारा एक वीडियो बनता है हाउ टू अपलोड अ वीडियो,
ये भी हमारा एक टैग है, हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, ये भी हमारा एक टैग बन गया। YouTube पे वीडियो कैसे अपलोड करें, या फिर कोई ये भी सर्च कर सकता है कि वीडियो अपलोड करने का तरीका। इसके नीचे आ जाएं, आपके वीडियो की लैंग्वेज क्या है, आपका उर्दू में वीडियो है, हिंदी में है, या किस लैंग्वेज में, यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है। कैप्शन की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ये सारे आ चुके हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ना आपको समझ है, ना ही है, हमारे वीडियो की परफॉर्मेंस में ये इतना काम आते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन, डेट आपने ऐड करनी है तो कर दें, लेकिन मैं अक्सर इसको नहीं करता। लोकेशन भी मुझे ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। वीडियो लोकेशन लिखनी है तो लिख दें, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने कभी नहीं लिखी। लाइसेंस दो तरह के होते हैं, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूट्स या स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पे रहने दें, इसको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे आता है अलाउ एम्बेडेड, ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर ये एक मेरा वीडियो चल रहा है, इस पर जब मैं शेयर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ एक एम्बेडेड का कोड आ जाएगा, ये पहला है एम्बेड। यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और ये कोड जो है मैं अपनी किसी भी वेबसाइट में ऐड करूँगा तो वहाँ मेरा ऐसे ये पूरा वीडियो यहाँ शो हो जाएगा मेरी वेबसाइट में। तो यही बात वो इधर पूछ रहा है कि आपने अलाउ करना है कि नहीं, इसको हमेशा ओके रखें, ठीक है। पब्लिश द सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई द सब्सक्राइबर, ये ऑलरेडी चेक इन है, इसको ऐसे रखें। शॉर्ट्स रीमिक्सिंग, अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रीमिक्सिंग, इसको बिल्कुल ओके रखें। आगे आगे कैटेगरी, कैटेगरी में आपका देख लें आपका वीडियो किसके बारे में है, कॉमेडी है, एजुकेशन है, इंटरटेनमेंट है, आर पीपल एंड ब्लॉग है, या फिर इसको हाउ टू या स्टाइल या जैसे भी कर लें। मैं इसको रखूँगा पीपल एंड ब्लॉग, या फिर हाउ टू एंड स्टाइल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये हमारी कैटेगरी आ गई। और नीचे पूछ रहा है जी कमेंट्स एंड रेटिंग, अलाउ ऑल कमेंट्स, ठीक है। अगर आपने अलाउ करने या फिर आपने होल्ड करने, होल्ड पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग कुछ बुरे अल्फाज यूज़ करते हैं या फिर वो अपने लिंक्स ऐड कर देते हैं, तो इसके लिए हमें रिव्यू करना चाहिए। मैंने वैसे सारे ओपन किए, लेकिन आप अपने मुताबिक जैसे आप करना चाहें इस पर क्लिक कर सकते हैं। कमेंट्स आपने कैसे रखने हैं, जो फ्रेश कमेंट्स हैं उनको सबके टॉप पर रखना है, यानी कि जो न्यूएस्ट, जो बिल्कुल लेटेस्ट कमेंट्स हैं वो सबके टॉप पर हों, ठीक है। शो हाउ मैनी व्यूज़ लाइक्स ऑन दिस वीडियो, आपने काउंटर शो करना है कि नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके आगे आपने कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आ जाएं, सब टाइटल है, सब टाइटल कभी कभी आपने देखा होगा कि आप यहाँ वीडियो चलाते हैं तो नीचे इंग्लिश भी इसकी ट्रांसलेशन आती होती है, ये इसको कहते हैं सब टाइटल या CC। मैंने डिसेबल किया है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सब टाइटल हैं तो आप यहाँ से टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, तो फिलहाल मैंने कभी सबटाइटल ऐड नहीं किया। अगर आपके पास कोई गुंजाइश है तो कर सकते हैं। एंड स्क्रीन, इस पर क्लिक करें, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, एंड स्क्रीन आपने लगानी है जो भी है, तो ये देख लें, ये भी स्टाइल है। डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं, ये दो वीडियोज़ लगाने हैं, एक वीडियो और एक सब्सक्राइबर, जी बिल्कुल ये ज़रा बेहतर है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एक वीडियो आ गया, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ मैक्सिमाइज, और एक सब्सक्राइबर का बटन। सेव करने के बाद नीचे आ जाएं, कार्ड्स, इन्फॉर्मेशन कार्ड, ये क्या चीज़ है, ये भी बिल्कुल ऐसी है कि आपने यहाँ इन्फॉर्मेशन कार्ड ऐड करना है, ये आपके दोनों पे टिक लग गए। यहाँ से नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट करने के बाद आपका आ गया कॉपीराइट, देयर इज़ नो कॉपीराइट इशू, ठीक है, इसको आप कर दें नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि आपने वीडियो को किस तरह आउटपुट करना है, अभी से इसको आपने पब्लिश करना है, अनलिस्ट करना है, या प्राइवेट रखना है। प्राइवेट रखेंगे तो आपका वीडियो सिर्फ आपको ही नज़र आएगा, या आप किसी के साथ प्राइवेटली शेयर करना चाहें, ठीक है। अनलिस्ट में आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा लेकिन किसी को नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वही आपका वीडियो देख सकेगा जिसके साथ आप लिंक शेयर करेंगे। पब्लिक पे क्लिक करेंगे और वहाँ से आप पब्लिक के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो अभी से पब्लिश होना शुरू हो जाएगा और सारे जिसके पास नोटिफिकेशन जाएगा वो आपका वीडियो देखेगा। इसके नीचे आ गया शेड्यूल, अगर आप चाहते हो कि आपका वीडियो 13 तारीख को या 14 या 15 तारीख को दोपहर 2:45 पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए, तो ये आपने यहाँ से टाइम और डेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ से शेड्यूल इसको कर देना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। लेकिन मैं इसको करूँगा प्राइवेट, प्राइवेट करके मैं बाद में आपको ये भी बताऊँगा कि प्राइवेट से आपने इसको दोबारा पब्लिश कैसे करना है। मैं प्राइवेट करके इसको करता हूँ सेव, मेरा वीडियो हो चुका है सेव, ठीक है। अब इसके ज़रा वीडियोज़ में जाएँ, ये आपका वीडियो लेटेस्ट है, इसके देखें ये प्राइवेट है। प्राइवेट से अगर आपने इसको करना है पब्लिश
तो पब्लिक पे क्लिक करें और नीचे पब्लिश का बटन है। तो ये मैंने आपको सिखाया कि आपने कंप्यूटर के ज़रिए वीडियो कैसे अपलोड करना है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैंने स्किप किया हो या जिसको फेल आउट ना किया हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट लिखें, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर भी हमें कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने गिरदनुमा का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।